हेलो दोस्तों, कांति किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इजी स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा नारियल। इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और मिक्सर जार में फाइन पाउडर की तरह पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सर जार में अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा। अब एक पैन में लेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे नारियल को और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसी कढ़ाई में लेंगे देसी घी और बेसन को भी भून लेंगे। इसे भी लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब इसमें से सौंधी खुशबू आने लगेगी तब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब भुने हुए बेसन में ही नारियल को भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर चीनी को घुलने तक इसे हम चलाते रहेंगे। चाशनी में ही 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर देंगे और चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बबल ना आने लगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी बबल आने लगा है और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब भुने हुए बेसन और नारियल को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम अभी हम ऑफ नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक थाली में पलट लेंगे। थाली में पहले से घी लगा कर रखना है। इस तरह से छलनी से या फिर चाकू से हम बराबर कर लेंगे। इस काम को हमें गर्मा गर्मी करना होगा। छलनी में थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके ना। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट लगाएंगे, उससे भी टाइप कर लेंगे। जब ये थोड़ा गर्म रहेगा तभी हमें नाइफ से इसमें निशान बना लेना होगा, नहीं तो जमने के बाद ये अच्छे से शेप में नहीं आएगा। पूरी ठंडी होने के बाद हम इसे पीस पीस अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से नारियल और बेसन का बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस, तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या फिर आपके घर में कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई पार्टी हो, तो आप घर पर इतना टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।